जेल में बंद केजरीवाल ने तो अब तक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनके एक मंत्री का इस्तीफा जरूर आ गया। 2:32 पर राजकुमार आनंद ने केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट किया। शाम 4:30 तक राजकुमार ने केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया। आखिर 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ, कैसे हृदय परिवर्तन हो गया, ये सबके लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। केजरीवाल सरकार की तरफ से ये पहला इस्तीफा है। जैसे ही राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, आपने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। यही है राजकुमार आनंद जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। राजकुमार आनंद ने सीएमओ को इस्तीफा भेजा था, अभी पार्टी को इस्तीफा नहीं दिया। एलजी हाउस के मुताबिक कोई भी मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो पहले सीएम को देता है। सीएम इस्तीफा मंजूर करने के बाद फाइल एलजी हाउस भेजता है। केजरीवाल को बैक टू बैक कई झटके लगे, मंत्री ने साथ छोड़ा, जेल से सरकार चलाना भी मुश्किल हो गया। क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? केजरीवाल को जब से कोर्ट का झटका मिला है, तब से आम आदमी पार्टी ने नई लाइन पकड़ ली है। तिहाड़ को गैस चैम्बर और यातना का घर बता रही है। आपकी बौखलाहट यूं ही नहीं है, कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज दिल्ली बीजेपी नेता सड़कों पर उतर आए, इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लालू और हेमंत सोरेन जैसे लोगों ने भी पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए। मुझे लगता है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा का भी अपमान कर रहे हैं। इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, आज नहीं देंगे तो कल देना पड़ेगा। आपके पोस्टर के जवाब में बीजेपी भी केजरीवाल का पोस्टर लेकर आई है। केजरीवाल को पोस्टर में समुद्री लुटेरे के गेटअप में दिखाया गया है। केजरीवाल को करप्शन का नया पोस्टर बॉय बताया गया है। केजरीवाल ने सप्ताह में 5 दिन वकीलों से मुलाकात की इजाजत मांगी थी, लेकिन ईडी की दलील पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उधर मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई तय की है। उत्तर से दक्षिण तक इस बार शक्ति और सनातन ही एजेंडा होगा। तमिलनाडु का चुनाव भी इस बार धर्म पर होगा। तमिलनाडु में चुनाव का एजेंडा मोदी ने सेट कर दिया। मुकाबला सनातन को खत्म करने वालों और सनातन को बचाने वालों के बीच होगा। कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे, यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। नॉट टू साउथ, पीएम मोदी के लिए दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। साउथ में मोदी का प्राइम फोकस तमिलनाडु है। लगातार कई दौरों से मोदी ने तमिलनाडु का माहौल बदल दिया है। चेन्नई टू वेल्लोर मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। तमिलनाडु में मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ 8 पार्टियों वाला इंडी गठबंधन है जिसकी अगुवाई डीएमके कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके के साथ 4 पार्टियां शामिल हैं। इस बार बीजेपी 9 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर तमिलनाडु में इतिहास रचने को बेकरार है। सीए जो संदेश खाली, बंगाल के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। बंगाल में पहली बार बीजेपी फ्रंट फुट पर है और ममता बैक फुट पर। बंगाल में मोर्चा अमित शाह ने संभाला है। 42 सीटों की लड़ाई में मुद्दा तुष्टिकरण का है और बीजेपी के पास सीएए वाला वार है। घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे। बंगाल में चुनाव का सेंटर पॉइंट संदेश खाली है। इसी मुद्दे पर मोदी और शाह बंगाल की हवा बदल रहे हैं। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। कोलकाता हाई कोर्ट ने आज संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। अब ममता सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएंगी। शरद पवार का एनडीए के साथ आना 50% डन हो गया, लेकिन ऐन मौके पर उनका मूड क्यों बदला, इसका खुलासा अब हुआ। 24 के चुनाव से पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा दावा कर दिया है। अजीत पवार के एनडीए ज्वाइन करने के बाद शरद पवार ने भी एनडीए में आने का
50% मूड बना लिया था, लेकिन एन मौके पर वो पीछे हट गए। हमारी उनकी बातचीत जारी थी और वो भी कहीं ना कहीं 50% तो कम से कम तैयार हो ही चुके थे। तो ये बातों को लेकर आपको और हमको ये बात समझना चाहिए कि अब ये केवल जो भी चल रहा है ये अवसरवादिता है। अजीत पवार गुट को इंडी की हकीकत पटना की मीटिंग में ही लग चुकी थी, जिसके बाद एनसीपी टूटी। इंडी अलायंस की पहली मीटिंग पटना में जब हुई थी मैं गया था पवार साहब के साथ, और मैं इतना ही कहूंगा कि मिलते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, लोग देखते हैं कि अरे इतने लोग एक स्टेज पे खड़े, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक इंडी अलायंस के सामने चुनौती आज भी वही है। उनका मोटो है मोदी हटाओ, लेकिन मोदी के सामने कौन होगा इसका फैसला नहीं कर पाए हैं। पवार फैमिली के बाद अब ठाकरे फैमिली का एक धड़ा भी एनडीए के साथ खड़ा है। राज ठाकरे बिना शर्त मोदी का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। 23 के नतीजे और 24 की हवा ने एमपी कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में बीजेपी दफ्तर पहले कौन पहुंचेगा रेस लग गई। मोदी के मोहन ने एमपी कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज उज्जैन में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेताओं ने केसरिया गमछा ओढ़ लिया। हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर के कई लोगों को, मित्रों को भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से 29 लोकसभा सीट जीतेंगे और अबकी बार 400 पार। मोहन यादव एमपी की 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा यूं ही नहीं कर रहे। एमपी में बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। एमपी बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तस्वीरों से भरा पड़ा है। दावा है कि पिछले 3 महीने में 2,58,000 से ज्यादा नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने बीजेपी ज्वाइन की। इनमें से एक दिन में 1,26,000 न्यू ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड भी है। बीजेपी के मुताबिक 90% से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एमपी की 28 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अकेले छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन छिंदवाड़ा से कमलनाथ के कई करीबियों ने भी चुनाव से एन पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है।